अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुश आमदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस, 5 तारीख है आज अक्टूबर की, इज द 5th ऑफ अक्टूबर, इट्स वेंसडे, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे. आई होप आप सबके घर खैर की खबर होगी और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन. नाउ चाइल्डहुड हर एक का जरूरी नहीं है कि बड़ा स्मूथ गुजरा हो. कुछ लोगों का बचपन ऐसा गुजरा होता है जिसमें उनको बहुत प्यार मोहब्बत शफकत के साथ पाला जाता है, उनकी परवरिश होती है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सख्त वक्त देखा होता है क्योंकि घर का माहौल ऐसा होता है. कुछ लोग जो हैं वो वालदैन के बगैर बड़े होते हैं, किसी की वफात यंग एज में हो जाती है, या हालात घर के ऐसे होते हैं, टेंशन ऐसी होती है. तो ये नहीं हम अज्यूम कर सकते कि बचपन हर एक का बहुत ही स्मूथ और परफेक्ट गुजरा है, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि बचपन से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो पसंद होती है, क्योंकि बचपन में इंसान का एक जो इनोसेंस होती है, एक जो प्योरिटी होती है, आप जब जो वो जो एज होती है आपकी, आपकी जो उम्र होती है उस वक्त बहुत सादा चीज़ें जो है वो भाती हैं. इवन अगर कुछ बच्चे, जैसे कि कुछ बच्चों का माहौल ऐसा होता है कि उनको अपनी उम्र से पहले ही बड़ा होना पड़ता है क्योंकि उनको घर में जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, लेकिन There is still a child inside them. उनके अंदर भी एक बचपना तो मौजूद होता है. तो छोटी छोटी चीजें पसंद होती हैं. So that is the question that I'm asking you this morning, because I feel that when we reflect and when we go back to our childhood, there's a lot of energy that we can take from that and a lot of motivation that we can take from that. यानी हम बचपन में हमें जो कोई चीज़ अगर कोई पसंद थी या हमने कोई अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस की थी, उसके बारे में सोच के बहुत सारे ऐसे अच्छे मुस्बत नौयत के ख्यालात दोबारा आते हैं हमारे दिमाग में, जो हमें करंट जो हमारे हालात होते हैं, मौजूदा जो हालात होते हैं, उनमें कुछ लम्हात हमारे अच्छे हो जाते हैं और आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं. इसका डिटेल्ड फलसफा तो मैं आपको वही 10:30 के करीब बताऊंगी. दैट व्हाट द कनेक्शन इज, बट द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज, मैंने एक तस्वीर भी शेयर की है कि मुझे बचपन में ना शेडो जो अक्स होता है आपका, जो जब आप ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे रुख में खड़े होते हैं कि धूप आपके पीछे होती है और जमीन पे आप देखें तो आपका साया जो है वो सामने नजर आ रहा होता है. तो हम खड़े होके हम गेम्स खेलते थे या शक्लें बनाते थे. शक्ल तो नहीं उस तरह दिखती थी, मतलब हाथ इस तरह हिलाते थे कि जैसा जानवर बना रहे हैं या उछल कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जस्ट समथिंग वेरी सिंपल. आज तक जब भी मैं अगर बाहर खड़ी होती हूँ और मुझे अपना सामने अपना साया नजर आता है, अक्स तो एक्चुअली वुड बी इनकरेक्ट बिकॉज अक्स तो आपको पानी में या शीशे में दिखता है, साया आपको अपना दिखता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आज सुबह कोइंसिडेंशियली ये दोबारा हुआ. तो क्वेश्चन मैंने कुछ और पूछना था. मैं, आप लोगों को मालूम है कि मैं रूटीन के मुताबिक, आई गो टू माई गार्डन, आई टॉक टू माई प्लांट्स, आई एंजॉय द वेदर आउटसाइड, एंड आई सॉ माई साया एंड एकदम यकदम मैं एक तो अपने बचपन में चली गई एंड आई रियलाइज कि मुझे छोटी उम्र से अभी तक ये चीज़ बहुत पसंद है. इतनी पसंद है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ना इसमें इतनी कोई एनर्जी तवानाई लगती है, ना इसमें इतना कोई वक्त सर्फ होता है, लेकिन दिल जो है वो अच्छा महसूस करता है. सो माई क्वेश्चन इज, व्हाट समथिंग यूव इंजॉयड फ्रॉम चाइल्डहुड टू डेट, यानी टू अडल्टहुड, यानी बचपन से लेके अब तक कौन सी ऐसी चीज है जो आपको उसी तरह उतनी ही पसंद रही है और अभी भी आती है. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SUL MEE N. आप SMS भी कर सकते हैं, लिखिए मेरा FM, MERA FM, स्पेस दीजिए अपना पैगाम और नाम लिख के 4471 पे भेज दीजिए. इट्स टीचर्स डे टुडे, सो वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू एवरी सिंगल पर्सन जिसने उस्ताद का रोल, किरदार, पोजीशन जो है वो अदा की. जरूरी नहीं होता कि किसी इदारे में, किसी स्कूल में आप मौजूद हों, किसी भी शख्स की अगर ऐसी पोजीशन है या कोई भी शख्स ऐसा है जिसने किसी को भी कुछ सिखाया हो, वो उस्ताद होता है, उसको आप उस्ताद मानते हैं. तो जितने तमाम वो लोग हैं जिन्होंने उस्ताद का या सातजा का किरदार अदा किया, आप सबको हैप्पी टीचर्स डे. अगर आप में से कोई किसी अपने टीचर को डेडिकेट कुछ पैगाम करना चाहता है हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए, तब भी आप ट्विटर पे ट्वीट करके मुझे बता सकते हैं, आई विल रीड इट ऑन एयर. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.
Alright then, FATF की तमाम शराइत मुकम्मल पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने के कवी इम्कानात हैं. Well, so bismillah to this. उसके अलावा क्या हो रहा है, हरमैन शरीफैन में बड़ी उम्र के अफराद की खिदमत के लिए तौकीर प्रोग्राम का आगाज किया गया है. What is that? I'd definitely like to have a look at this and then I'll try and share it also. आलमी इदारे सेहत का मुलाजमीन को डिप्रेशन से बचाने के लिए मजीद कोशिशों पर जोर. मेंटल हेल्थ इज समथिंग जो कि मैं शायद 2-3 साल से कंसिस्टेंटली आप लोगों से बात कर रही हूँ इसके बारे में. नॉट जस्ट क्योंकि जाती इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोगों को शुक्र है इंटरेस्ट और अवेयरनेस इसमें पैदा होना शुरू हो गई कि दिस इज अ वेरी रियल कॉन्सेप्ट. और आप कोई देखने में आप बिल्कुल एक मुस्कुराते हुए जवान या नॉट जवान वट एवर कैटेगरी और इन हट्टे कट्टे शख्स हो सकते हैं. दैट डज नॉट मीन कि आप किसी हिसाब से कमजोर हैं. दैट जस्ट मीन्स दैट बिल्कुल जिस तरह नज़ला जुकाम खांसी या कोई मौलिक बीमारी किसी को हो सकती है उसी तरह मेंटल हेल्थ का इशू भी हो सकता है. सो मैं कम अज़ कम 2-3 साल से तो बात कर रही हूँ एंड देन बिकॉज आई हैव क्या कहते हैं एक्सपर्टीज एंड अ बैकग्राउंड एंड एजुकेशन इन साइकोलॉजी ऑल्सो. सो I don't want to waste that and I also because इर्द-गिर्द मैं अपने इर्द-गिर्द देख रही होती हूँ कि इतना कुछ हो रहा है which people just don't acknowledge. Even your parents, आपके अगर वालदैन हयात हैं या बड़ों में से कोई भी अगर आपका हयात है तो don't think कि just because उन्होंने जिंदगी गुजार दी है तो इस वजह से उनकी mental health और उसकी बहाली या उसको बेहतर करने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है. इमेजिन इफ यू आर इन योर 30s और 40s एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज जो कि किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं या किसी भी टाइप के हो सकते हैं. इट कुड बी GAD व्हिच इज जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर. इट कुड बी OCD. इट कुड बी वेल ADHD इज अ कंडीशन. इट्स नॉट अ मेंटल हेल्थ उस तरह डिसऑर्डर. इट्स अ कंडीशन. इट कुड बी क्रॉनिक और अक्यूट डिप्रेशन. कुछ भी हो सकता है. तो योर पेरेंट्स और योर अडल्ट्स हैव योर एल्डर्स हैव आल्सो सीन सो मच इन लाइफ. इमेजिन कि उन्होंने कितना हजम किया होगा. स्पेशली वो चूंकि ऐसे दौर में उन्होंने जिंदगी गुजारी है जहां ये कबूल ही नहीं किया जाता था कि मेंटल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है. और हमारे करंट वक्तों में भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को अवेयरनेस होना शुरू हुई है. तो जहां आपकी जिस्मानी नशोनुमा की का ख्याल रखना बहुत जरूरी है उस तरह मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. या मैं आपके इर्द गिर्द लोग भी कह रहे होंगे, आपने इस पर आर्टिकल्स भी देखे होंगे, इस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी हो रही हैं, इस पर रिसर्चर्स पब्लिश पेपर्स, इतनी सारी चीज़ें इतना सारा मवाद मौजूद है. तो जस्ट स्टार्ट मेकिंग योरसेल्फ मोर अवेयर एंड लाइक आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर द पास्ट 3 years आई थिंक नाउ. I'll definitely continue to involve you people in this conversation. Also, ये मैं थोड़ा सा इसलिए explain कर रही थी थोड़ा और डिटेल में बिकॉज आलमी इदारा सेहत जो कि जनरली यू वुड एक्सपेक्ट एंड यू सी ऑल्सो कि वो फिजिकल हेल्थ से या वेल बींग से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को पब्लिश करते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं या उस पर जोर देते हैं. दे आर ऑल्सो डायरेक्टिंग पीपल नाउ टू हैव अ लुक एट इट बिकॉज योर फिजिकल हेल्थ कोलैप्सेस अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं होती है तो उस पर बहुत बुरा असर होता है. और क्या हो रहा है जी, तिब का नोबल इनाम स्वीडन के सवांते पैबो के नाम हुआ है. पाकिस्तानी वेब सीरीज कातिल हसीनाओं के नाम ने एशियन अकेडमी अवार्ड जीत लिया. वाओ वेरी नाइस. और क्या हो रहा है, फ्लाइट मिस करने पर वेस्ट इंडियन खिलाड़ी वर्ल्ड कप से बाहर है. ये क्या बात हुई, फ्लाइट मिस हो गई तो अब वो वर्ल्ड कप में होंगे नहीं क्योंकि वो उन्होंने क्या वो जानबूझ के उन्होंने मिस की थी. क्या डिड ही नॉट अराइव एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम. दैट्स अ वेरी सख्त कदम दैट्स बीन टेकन इफ इट्स बीन टेकन बाय देयर कंसर्न अथॉरिटीज. आज का सवाल दोहराई देती हूँ, बचपन से लेके अब तक कोई ऐसी चीज जो आपको बचपन में भी बहुत भाती थी, पसंद आती थी और आज तक आपको बहुत अच्छी लगती है. मैंने तस्वीर शेयर की एज अ रेफरेंस कि जो साया होता है जब धूप आपके पीछे होती है और जमीन पे आपको अपना साया दिखता है, मुझे बचपन से बड़ी फैसिनेशन होती थी. दिल हल्का होता है, मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है. इट्स वेरी नेचुरल फॉर मी. सो व्हाट इज दैट वन थिंग फॉर यू, समथिंग दैट यू हैव एंजॉयड फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड या टू डेट, यानी कि आज तक. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी Mornings with Salmeen ke saath. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. Interesting cheeze hai mere Twitter trends pe trend kar rahi hai. Aaj Karachi ka masla is with a hashtag. Achha. Shahid Afridi is trending again. Why? What did he say now? Miftah Ismail is trending. I think we all know why. T20 World Cup. I think the excitement is on a roll. Madhuri Dixit is trending. Usse upar Pride of Pakistan and then... उससे ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब इज ट्रेंडिंग. अच्छा, इज इट बिकॉज ही इज स्टिल नॉट वेल? नॉट रियली श्योर कि अगर कोई इस रिलेटेड कोई नई खबर है. मैंने एक चीज रीट्वीट की है, सो स्वीट इट इज सीरियसली. इट वाज अ वेरी फेमस सॉन्ग. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, राइट? कुछ लोगों के बचपन का गाना होगा, कुछ लोगों की जवानी का गाना होगा, कुछ लोगों ने बड़े की पैदाइश नहीं हुई होगी उस वक्त लेकिन बाद में उन्होंने सुना होगा.
उसको जिस तरह इन्होंने इनको इमोजीज तो नहीं कहेंगे, सिंबल सॉर्ट ऑफ के साथ जिस तरह इन्होंने इसको सॉर्ट ऑफ एक डैशबोर्ड बनाया है, उस बंदे ने ट्वीट के ऊपर लिखा भी है लेट दिस गाय मेक द डैशबोर्ड, इट्स सो कूल. छोटी छोटी चीजें जिससे इंसान के मुंह पर मुस्कुराहट भी आती है, यू नो यू जस्ट फील बेटर. लुकिंग एट माई शैडो हैज बीन अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन और अ मूड लिफ्टर. मेरा मूड हमेशा अच्छा हो जाता है जब मैं अपने साये को देखती हूँ, पीछे सूरज, जमीन पे साया, एंड इट जस्ट ब्रिंग्स अ स्माइल टू माय फेस. बचपन से लेके अब तक कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपका मूड लिफ्टर रही है या बचपन से लेके अब तक आपको बहुत पसंद है? इट कुड बी एनीथिंग एट ऑल, कुदरत से रिलेटेड हो सकता है, कोई खाने की चीज हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है. कुछ लोग आई नो कि बचपन से लेके अब तक लूडो बहुत शौक से खेलते हैं, यू नो. सो एनीथिंग जो कि बचपन में जनरली भी होती हो, या चलो कोई बड़ी बिल्कुल यूनिक चीज भी हो सकती है, एब्सोल्युटली मोस्ट वेलकम टू शेयर व्हाट एवर यू वांट टू शेयर. बट व्हाट्स समथिंग यू एंजॉयड फ्रॉम चाइल्डहुड टू डेट, यानी टू योर अडल्टहुड. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. EU imposes single charger for all smartphones. आई एम श्योर जिन लोगों को टेक स्पेस से या टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उससे इंटरेस्ट होगा, उन्होंने सुबह सुबह ये देख लिया होगा. अर्ली मॉर्निंग की ही रिपोर्ट थी, जिसका मतलब है कि जो एक बहुत ही मशहूर इलीट किस्म का फोन ब्रांड है उसका चार्जर अपेरेंटली अब यहाँ नहीं काम करेगा. ये काफी पहले से ये गुफ्तगु चल रही थी. द न्यू लॉ रिक्वायर्स द USB-C टू बी द सिंगल चार्जर स्टैंडर्ड फॉर ऑल न्यू स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड कैमराज फ्रॉम लेट 2024. अब ऐसा नहीं है कि वो वक्त नहीं दे रहे हैं ऐसी कंपनियों को जिनका USB-C चार्जर जो है वो करंटली नहीं होता है. और क्या हो रहा है दुनिया में टेक स्पेस के हवाले से? नोबेल फिजिक्स प्राइज वन बाय स्लूथ ऑफ स्पूकी क्वांटम साइंस. ये कल मैं और अब्बा देख ही रहे थे टीवी पे. सो इट वॉज क्या कहते हैं फैसिनेटिंग. क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम साइंस से रिलेटेड हमेशा मेरे नाना हुजूर अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे वो याद आते हैं, बिकॉज नाना was in his, I think, 80s when he was reading about quantum physics. He was वैसे a very brilliant man. हर चीज से उनको interest था, लगाव था. But yeah, so scientists Alain Aspect, John Clauser and Anton Zeilinger won the 2022 Nobel Prize in Physics for their advances in quantum mechanics on the behavior of subatomic particles, opening the door to work on supercomputers and encrypted communication. What is quantum physics or quantum mechanics? In case you don't know, वैसे तो Google है ही, पर इसके बारे में बात करते हैं इसके बाद. Stay tuned. So नाम ऐसा इसका है quantum physics या quantum mechanics. They are sort of siblings. जो कि लगता है कि बड़ी कोई इंटेंस चीज होगी, और ये हमारा क्या इससे ताल्लुक, लेकिन हम सबका इससे ताल्लुक है. हम सबका इससे ताल्लुक इसलिए बिकॉज हमारी हम जिस दुनिया में रहते हैं और जो चीज़ों का जो वजूद है वो बेसिकली इज यू नो वेरी डिपेंडेंट ऑन अंडरस्टैंडिंग कि क्वांटम फिजिक्स क्या होती हैं. तो मैटर यानी मवाद जो होता है, एंड ये तो क्वांटम मैकेनिक्स है, मवाद और लाइट रोशनी जो होती है एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल पे, उसकी साइंस जो है उसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है. बट क्वांटम फिजिक्स जो क्या बोलते हैं पार्टिकल्स होते हैं, जो जर्रे होते हैं, उनकी और उनकी मैटर की जो एक एसोसिएशन होती है उसकी कनेक्शन को, अगर बहुत सादा अल्फाज में समझाऊं तो उसको कहा जाता है, उसकी नेचर को समझने को कहा जाता है क्वांटम फिजिक्स. यानी पुट सिंपली इट्स द फिजिक्स दैट एक्सप्लेन्स हाउ एवरीथिंग वर्क्स. हर चीज़ जो काम करती है, तो हर चीज़ जो है वो पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है, यानी जर्रों पे मुश्तमिल होती है. एंड जो मैटर ऑफ फोर्सेस यानी मवाद और फोर्सेस वुड बी कुवतें जो होती हैं वो किस तरह इंटरैक्ट करती हैं, जितनी भी चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, देर ऑल बेस्ड ऑन पार्टिकल्स. तो इसकी साइंस को, इसकी स्टडी को जो है वो कहा जाता है. तो आई विल ऑलवेज थिंक ऑफ माई ग्रैंड फादर वन आई थिंक ऑफ एनी थिंग क्वांटम, बिकॉज यू नो एट दिस एज ऑल्सो इन हिज 80s ऑल्सो ही वॉज इंटरेस्टेड इन इट, ही वॉज रीडिंग अबाउट इट. एंड दिस इज समथिंग दैट माई फादर, माई वालिद साहब, बिकॉज अब्बू और नाना की बहुत क्लोज रिलेशनशिप थी माशाल्लाह माशाल्लाह से, वो उनकी अब्बू ने मुझे बताया था कि नाना जो है वो बैठ के एक दिन पढ़ रहे थे. एंड वी वर नॉट सरप्राइज्ड, वी वर जस्ट लाइक अच्छा ये भी, बिकॉज़ ही वुड रीड अबाउट एवरीथिंग एट ऑल. एनीहाउ, सो इन तीन लोगों को जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा गया है. द अवार्ड्स वर गिवन फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद एंटेंगल्ड फोटॉन्स, एस्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बेल इन इक्वालिटीज एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस. थोड़ा ज्यादा हो गया.
बट चले थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, हम पढ़े तो कि किस चीज के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है. और क्या हो रहा है जी दुनिया में. इंडिया लूजेस कॉन्टैक्ट विद बजट मार्स ऑर्बिटर आफ्टर 8 years. हाँ, ये क्या है. इस पे भी नजर डालते हैं. द एजेंसी सेड इन अ स्टेटमेंट दैट आफ्टर एन एक्लिप्स इन अप्रैल कट ऑफ सनलाइट टू द प्रोब इट्स प्रोपेलेंट मस्ट हैव बीन एग्जॉस्टेड. सो इनका जो मार्स ऑर्बिटर है वो 8 साल बाद जो है उससे ताल्लुक जो है वो मुनकता हो गया. आई बिलीव ऐसी ही की कोई कहानी है. सो 2013 में लॉन्च किया गया था और मार्स का जो ऑर्बिट है उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको उसी साल में जो उसने एंटर कर दिया था. द प्रोब मेड इंडिया वन ऑफ द ओनली हैंडफुल ऑफ नेशंस टू सर्कल द रेड प्लैनेट इंक्लूडिंग रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज द यूरोपियन यूनियन. So it's one of the few countries which has done this, in case you guys didn't know. और क्या हो रहा है जी आपके जवाबात, आपके मेरे सवाल के हवाले से आपके जवाबात. बचपन से अब तक, बचपन से लेके आज तक जो है वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम मुसलसल ना करें, मुस्तकिल ना करें, रोजाना ना करें, लेकिन खुशी तब भी बहुत होती थी और खुशी अब भी बहुत होती है जब भी वो चीज हम देखते हैं, समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, पढ़ते हैं. सो मेरे लिए मेरा जमीन पर साया देखना जब सूरज पीछा होता है, दैट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी. किसी के लिए कोई गेम हो सकती है, किसी के लिए कोई एक्टिविटी हो सकती है. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. बचपन से लेके अब तक किस चीज से आपका मूड लिफ्ट हो जाता है जो कि तब भी बहुत पसंद था और अब भी बहुत पसंद है. इट कुड बी एनीथिंग एट ऑल. जमाल इकबाल, थैंक यू फॉर नॉट रिमेनिंग अ साइलेंट लिसनर. देयर सो मेनी पीपल हु मैसेज मी often saying we've been silent listeners and then ek din they surface. To jab wo surface karte hain mujhe bahut acha lagta hai because jitne logon se insaan zindagi mein mile ya mulaqat social media ke zariye ho ya face to face ho ya connection bane, I feel utni zyada fulfilling life ki hoti hai. To Jamal, thank you so much for your very kind words. Kehte hain I was your silent listener since long, but today after your post I want to share childhood memory. That was rain. Playing in the rain was an awesome feeling thanks to you and your voice which gives us energy daily in the morning. Stay blessed. So sweet of you, Jamal. Thank you so much. Jeete rahiye, khush rahiye, abad rahiye. And yes, barish mein khelne ka kya hi maza hai. And I hope ki jo sawal tha ki bachpan mein bhi karte the to acha lagta tha aur ab bhi karte hain to acha lagta tha, to I hope ab bhi aap karte honge. Coming up is the top of the hour. Bachpan se leke ab tak kaun si aisi cheez hai jo aapko tab bhi bahut pasand thi aur aaj tak bahut pasand hai aur aap indulge karte hain usme. Hashtag zarur kijiyega apne jawab ko coffee mornings with Salmeen ke saath. You can continue tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. 10 बजने वाले हैं, जिसका मतलब है we're up for a little break, थोड़ी सी मौसीकी, and then I'll be back. Stay tuned, सुनते रहिए Coffee Mornings with Salmeen Ansari. Welcome back, दूसरे घंटे की शुरुआत, second hour kicking off. आप सुन रहे हैं Coffee Mornings with Salmeen Ansari. मैं हूँ Salmeen Ansari, and this is मेरा FM 107.4, यानी 107.4. If you've been with me since 9 AM, थोड़ी मेहरबानी. And if you've just tuned in right now, good morning and welcome on board. अच्छा, फिर की हो रहा है ताहियात नाहली का आर्टिकल 52 जो है वो 52F काला कानून है, चीफ जस्टिस ने कहा. अच्छा, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरी नजर से ये खबर नहीं कल पड़ी थी, तो आई विल जस्ट हैव अ लुक एट दिस. बादशाह चार्ल्स को लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो बादशाह चार्ल्स ही बनेगा, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं आप कर रहे होते ना, दिस इज व्हाट इट विल साउंड लाइक. बादशाह चार्ल्स का जल्द पाकिस्तान आने में दिलचस्पी का इजहार. आए जी आए, हम सबको वेलकम करते हैं, सभी को करते हैं हम. इट्स गॉट नथिंग टू डू विद आवर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बट या ओके, मोस्ट वेलकम. अगर आएंगे तो खैर खैरियत से आए और चीजें बेहतर हों, ताल्लुकात जो है वो बेहतर और भी बेहतर हों. फैटिफ को तमाम शराइत मुकम्मल पाकिस्तान की ग्रेले से निकलने की के कभी इम्कानात है. इस हवाले से सिफारती जराए का कहना है कि पाकिस्तान FATF मेयारात पर अलम दरामद करने वाले टॉप 10 ममालिक में शामिल हो गया है. एंड उन्होंने बताया है जराए ने कि रवां माह 17 से 21 अक्टूबर को FATF का इजलास मुनक्कद होगा, जबकि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रेले से निकल आने का कवी इम्कान मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान FATF की तमाम शराइत पूरी कर चुका है. पहले भी नहीं ऐसा था, अर्लियर दिस ईयर तमाम शराइत पूरी कर दी थी, या शायद एक शर्त रह गई थी, आई बिलीव अर्लियर दिस ईयर. सो बिस्मिल्लाह, एज़ आई सेड, वी हैव सफर्ड इनफ, हैवंट वी? वेल, वी हैव सफर्ड इनफ बिकॉज़ वी आवरसेल्व्स आर रिस्पांसिबल फॉर इट इन अ लॉट ऑफ वेज, बट देन वी आल्सो अलाउड सपोज़ेड
organizations and institutions in power to take full advantage of that. That is the world, isn't it? चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करने का दो दिन से खबर पड़ रही हूँ कि गधे और डॉग्स, आई थिंक गधे और कुत्ते जो है वो इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं हमसे. अब हंसी तो आती है लेकिन इंसान को पहले, इसीलिए कहते हैं ना, हेडलाइन के नीचे पढ़ लेना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, क्यों ये चाह रहे हैं. सो सेनेट की कायमा कमेटी बराए तजारत को वजारत तजारत हुकाम ने बताया है कि हुकूमत की जानिब से 5 बरामती शोबों पर बिजली की सब्सिडी वापस ले ली गई है, जिस पर शदीद तहफ़ुज़ात हैं. खदशा है कि बरामदात को कम हो जाएंगे और कमेटी ने सिफारिश की हुकूमत सब्सिडी का मामला कहा है कि हल किया जाए इसको. इसी से रिलेटेड कमेटी से रिलेटेड आगे डिस्कशन हुई है और हुकाम ने बताया है कि चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करने का ख्वाहां है. रुकन कमेटी दिनेश कुमार ने अच्छा कहा है कि चीन कहता है कि पाकिस्तान गधे और कुत्ते बरामद करे. दिस इज अ डील प्रोबेबली दैट इज हैपनिंग. प्रोबेबली द पॉपुलेशन इज इनफ एंड ऑल्सो फ्रेंकली स्पीकिंग हम तो जितना मिसयूज करते हैं डोंकीज को मिसयूज करते हैं, कितना वफादार भी मैं कहूंगी. और अगेन इसको रिलीजन से एसोसिएट कर दिया जाता है कि गधा जब ब्रे करता है तो उसका मतलब है कि सामने शैतान आ गया है, मतलब हमें दिखता नहीं है लेकिन गधे को दिखता है. ये भी एक मिथ है, लोग इसको रियलिटी मानते हैं, इसको हकीकत मानते हैं. फिर डॉग्स की जहां तक बात आती है, अगेन रिलीजियसली लोग बहुत डिवाइडेड रहते हैं इसमें कि नहीं रखना चाहिए और रखना चाहिए, समझते नहीं है सच बहुत सारी चीज़ों को, एक दूसरे को उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करते. जो रखते हैं वो उनको नहीं रिस्पेक्ट करते जो नहीं रखना चाहते एक्सेट्रा. और जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन, आपने उनकी सुना ही होगा, आए दिन ये खबर आती है कि उनकी कलिंग्स और किलिंग्स जो है वो चल रही होती हैं. यानी कि जो आवारा लफ्ज सही इस्तेमाल नहीं है लेकिन पालतू जो नहीं होते कुत्ते, और कुत्तों की आई बिलीव पॉपुलेशन काफ़ी सारी है और ब्रीड्स भी काफ़ी सारी हैं. तो चूंकि यहाँ पे एनिमल केयर सेंटर्स और शेल्टर्स का कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत ही यूनिकॉर्न है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही कम है, उस वजह से आई थिंक अगर ये इनको इस्तेमाल करेंगे जिस भी वजह से, अब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट इज़ फॉर कंजम्पशन टू ईट, लेकिन हम लेट्स नॉट गेट इन टू दैट एट ऑल. होता है कि नहीं होता है, वी विल फाइंड आउट विद द पैसेज ऑफ टाइम. आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल ने क्या कहा है, का कहना था कि ये वक्त है जब हम अपनी ज़हनी सेहत के लिए मुअस्सर अंदाज में काम कर सकते हैं. कर सकते हैं से ज्यादा करने की जरूरत है. As I mentioned, the WHO is now taking notice of the fact that mental health is as important as physical health. वक्त के साथ साथ बहुत सारे इदारों को भी इस बात का अंदाजा हुआ है कि ये कह देना कि लोग जो हैं वो सबको ये इस चीज से गुजरना होता है, ये जिंदगी के मामला आते हैं, इस तरह की सख्तियां आती हैं, वक्त और सख्त होता चला गया है. और तारीख पे अगर आप नजर डालें और आप रिसर्च पेपर्स निकालें अगर, तो या आप जाके किसी यू नो बिहेवियरल साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से आप गुफ्तगू करें तो हर दूसरा आपको बताएगा कि उनके पास एटलीस्ट एक वॉर वेटरन कम अज कम उनके करियर में आया है. ठीक है, अब वॉर वेटरन क्या होते हैं, जो लोग जंग लड़ चुके होते हैं, नुमाइंदगी कर चुके होते हैं अपने मुल्क का, दिफा कहने को दिफा, या यू नो जिस तरह अमेरिका टेंड्स टू सेंड इट्स सोल्जर्स एवरीवेयर, सो वो दैट इट्स नॉट लाइक दे आर प्रोटेक्टिंग देयर होमलैंड, दे जस्ट सेंड देयर सोल्जर्स एवरीवेयर. एनीहाउ, तो जो जंग लड़ चुके होते हैं उनको वॉर वेटरन कहा जाता है. उसके बाद अगर वो सर्विस में ना भी रहे तो देन देयर स्टिल वॉर वेटरन्स. सो जो ये कहा जाता है ना कि आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा आपको मजबूत होने की ज़रूरत होती है और इस शोबे में, इस फील्ड में जाना ही जब चाहिए जब आप बहुत जो होते हैं वो स्ट्रांग हो, मेंटली बहुत, ज़हनी तौर पे बहुत स्ट्रांग हो. वॉर वेटरन्स को जितना ज़्यादा ट्रामा होता है, ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक से अगर वो ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर आपको भेज दिया जाता है टू गो एंड जस्ट यू नो काइंड ऑफ फॉलो इंस्ट्रक्शंस. मैं इसको बहुत हल्के तरीके से बात कर रही हूँ बिकॉज मेरे लिए खुद ये दिस बिकम्स अ पर्सनल ट्रिगर फॉर मी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको, इस चीज़ के बारे में बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करना. अगैन आई विल गिव अमरीका की ही मैं मिसाल दूंगी. आप क्या समझते हैं कि वो अफगानिस्तान में या क्या कहते हैं सीरिया में, यहाँ पे ऐसे जगहों पर जहाँ पे ऐसा नहीं कि उनको जाके अपने कोई अमरीकियों की दिफा करनी होती, उनको जाके बेसिकली तशद्दुद करना होता है, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं. तो ये अज्यूम करना कि उनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे जस्ट बिकॉज वो
जो है वो आर्म फोर्सेस का हिस्सा है, आर्मी का हिस्सा है, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है. सो वक्त के साथ एक पिक्चर भी बड़ी फेमस, बड़ी वायरल हुई है, बार बार वो रिसर्फिस करती है. एक लड़का, यंग लड़का है, आई थिंक वो यूरोपियन ही है, जो कि बिफोर वॉर एंड आफ्टर वॉर, एक साल बाद की उसकी या दो साल बाद की ही सिर्फ तस्वीर है. उसकी शक्ल पे जो एक जो एक्सप्रेशंस हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसके जज्बात हैं, जिस तरह दिख रहे हैं, उस उम्र तो इतनी उसकी नहीं बढ़ी हुई है. इट्स लिटरली लाइक ही इज एज्ड 20 इयर्स. दैट्स व्हाट वॉर डज टू यू. उसी तरह हम जिंदगी में कंपैरिजन कोई भी नहीं है, जो वो जिस चीज का सामना करते हैं कोई कंपैरिजन नहीं. लेकिन एक बात जो मैं जो जिस चीज को मैं जिस पे जोर दे रही हूँ वो यही है कि जस्ट बिकॉज समझा जाता था कि ये तो ठीक है, ये तो इस फील्ड का या इस जिम्मेदारी का हिस्सा है, डजंट मीन कि वो जहनी और जज्बाती तौर पर बहुत बुरी तरह मुतासर नहीं हुए. और उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आगे जाके उनके कोई यू नो इमोशनल डिफिकल्टीज नहीं होंगी, उनको नाइटमेयर्स नहीं आएंगे, या वो अपनी जिंदगी में इमोशनली डिस्टॉर्टेड या डिस्टर्ब नहीं होंगे. उसी तरह जस्ट बिकॉज हमारे बड़े या उनके बड़े, उन्होंने सख्त वक्त देखा, उन्होंने जंगों को विटनेस किया, उन्होंने रिसेशन को विटनेस किया, उन्होंने रेसिज्म को विटनेस किया, जस्ट बिकॉज उन्होंने किया और उससे निकल आए, डजंट मीन कि उसने उनको ज़हनी और जज्बाती तौर पर तोड़ा नहीं या बहुत बुरी तरह हर्ट नहीं किया. उसी तरह इनफरादी तौर पे जस्ट बिकॉज का मतलब होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि कि हर एक ने सख्त वक्त देखा है या बड़ा आम है गवर्नमेंट स्कूल्स में पिटाई करना, हाथ पे जो एक वो रूलर से पिटाई करने का कॉन्सेप्ट है, जस्ट बिकॉज सारे लड़कों से किया जाता था या मुर्गा बनाया जाता था, इसका ये मतलब नहीं कि वो ठीक है और आगे जाके उनके ऊपर असर नहीं होगा. ये मैं सिर्फ मोटी मोटी मिसालें दे रही हूँ. अब्यूज हो सकता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, यू नो वेरी स्ट्रिक्ट चाइल्डहुड हो सकता है, आपने अपनी आंखों के सामने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा. और जरूरी नहीं कि इस तरह की भी बड़ी चीजें हों, बहुत सारी कहने को जो लोग जिसको छोटा कहते हैं, छोटी 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 चीजें एड अप करके भी बहुत आपके लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कर सकती हैं. क्या होता है फिर कि चूंकि हर दफा यही कहा जा रहा था ये तो जिंदगी का हिस्सा है, ये तो जिंदगी का हिस्सा है, तो फिर ये भी जिंदगी का हिस्सा है कि आपकी मेंटल कैपेसिटी एक होती है और एक आपकी इमोशनल कैपेसिटी होती है और हर शख्स की फर्क होती है. और वो आके एक जगह जाके वो उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है और उसको कंप्लीटली क्लेंस करके रिफर्बिश करने की जरूरत होती है, उसका ख्याल रखने की जरूरत होती है. अच्छी बात है कि इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है. जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए, जितने फैमिली मेकर्स या होम मेकर्स हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए. वी ऑल गो थ्रू मेंटल ग्रीवेंसेस. सम ऑफ अस डोंट रियलाइज, कुछ हम में से कुछ को नहीं एहसास होता है कि हम कितनी बुरी तरह अफेक्ट हो रहे हैं. वो तो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है. So mental health is something very important. Take it very, very seriously. We're up for a commercial break. I'll be back after this. Stay tuned. All right, then coming back to aapke jawabat. Aaj maine aapse pucha tha halka pulka sawal. And that was ki bachpan se leke ab tak koi aisi cheez jo aapke aap enjoy karte chale aaye hain. What's something you've enjoyed from childhood to adulthood? Bachpan se ab tak. Muzaffar Muskan, aapka jawab maine dekha. Aur phir main aapse wohi poochungi. Imli khana, aap bachpan se imli khati aayi hain? ये भी मैं पूछूंगी. फिर आप कह रही हैं लिसनिंग टू द न्यूज, बचपन से क्या न्यूज देखती आप आई हैं? आई वांट टू नो दिस वाकई में कि क्या आप बचपन में भी ये करती थी और अब भी ये करती हैं. सो फ्रॉम चाइल्डहुड टू डेट वाला आज का सवाल था और है, बल्कि मैं जिस तरह मैं अपने साए को देख के जमीन पर बचपन में भी मुस्कुराती थी, आज भी मुस्कुराती हूँ. जस्ट समथिंग वेरी लाइट. आसिम चंदा कहते हैं प्रॉबेबली माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग अप फॉर स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, माई ब्रदर यूज्ड टू ड्रॉप मी ऑफ ऑन हिज मोटरसाइकिल. आई यूजली वेटेड फॉर हिम एट द डोर एट द टाइम. ओके एंड आगे किधर गया दूसरा, आई थिंक जवाब कैसा था. तो वो तो आपकी मेमोरी हो गई, तो आज तक आप वो चीज क्या करते हैं? दूसरा आप कह रहे हैं द सीन दैट आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम माय चाइल्डहुड इज सर्दी कहीं धूप कहीं छांव, जिसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं विद अ बिट ऑफ फॉग, सुबह का सुकून. जबरदस्त, थैंक यू फॉर शेयरिंग. बट द क्वेश्चन वाज एक ऐसी चीज जो आप बचपन से लेके आज तक करते आए हैं, नॉट बचपन की यादें या बचपन की कोई याद जो कि सोच के आप सिर्फ मुस्कुराते, समथिंग दैट यू डू टुडे ऑल्सो. That was the question that I asked this morning. Mudassar Latif कहते हैं blossoms बचपन में भी पसंद थे और अब भी हैं. जमाल इकबाल का तो मैंने जवाब शेयर कर लिया था. जुनेद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम दी. वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो. कहते हैं it has always been the smile on my parents' face that works as a mood lifting drug for me. Mood lifting drug parents के लिए थोड़ा सा oxymoronic हो गया, but I understand what you're saying.
कहते हैं ज्यादातर वो अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को फेक करते हैं ताकि हम बेहतर फील करें, लेकिन जब वो मुस्कुराते हैं सच्ची में तो आपको पता होता है उनकी आंखों में एक चमक होती है, इट्स द ग्लो इन देयर आई, सो यस इज देयर स्माइल्स. बचपन से लेके अब तक जुनैद कहते हैं कि उनके वालदेन की जो मुस्कुराहट है वो बचपन में भी उनका दिन बना देती थी और आज भी बनाती है. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. AB42 कहते हैं आपने आज शेयर किया, कहते हैं गुड मॉर्निंग इट्स रेन. बचपन से हमेशा अभी तक जो है वो बारिश पसंदी, कहते हैं बचपन में जब बारिश होती थी तो जो पहली उसकी खुशबू होती, मिट्टी की जो खुशबू होती है वो मुझे इंटॉक्सिकेट करती थी. आई वुड रन आउट बेफुट एंड आई वुड डांस विद माई माउथ ओपन. आई स्वेर दैट थिंग ऑफ हम बाहर निकल के और मुंह खोल के बारिश जो है वो मुंह में आती है या नाक पे पड़ती है, इट्स जस्ट अमेजिंग. YouTube पे आप सब देखेंगे शाम को जब एपिसोड अपलोड होगा कि सलमीन मुंह खोल के आसमान की तरफ देख के बकायदा एक्ट करके इसको दिखा रही है. तो कहते हैं नाउ इट्स अ हॉट कप ऑफ टी विद नेक्स्ट टू माय विंडो एंड अ फ्यू मेमोरीज. सम पीपल फील द रेन, अदर्स जस्ट गेट वेट. दैट्स ट्रू. कुछ लोग सिर्फ भीगते हैं और कुछ जो है वो उसको महसूस करते हैं. तो बचपन से लेकर अब तक बारिश बहुत पसंद है AB42 को. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस. माई फ्रेंड फरहाद करमली हैड मैसेज ऑल्सो अर्लियर एंड कहते हैं कि बचपन से लेकर अब तक मूवीज बहुत ज्यादा उनको पसंद है. एंड दिस आई नो बिकॉज फरहाद जितने बड़े मूवी बफ हैं शायद ही कोई होगा. और जितनी बिजी उनकी जिंदगी है, चूंकि इट्स समथिंग दैट ब्रिंग्स हिम जॉय, तो उस वजह से इट्स जस्ट बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ व्हेनेवर पॉसिबल. अब वक्त कम होता है लेकिन जब उनके पास वक्त होता है या वो वक्त निकाल लेते हैं तो देन ही कैचेस अप ऑन ऑल द मूवीज. और पुरानी मूवीज से लेके लाइक 60s मूवीज से लेके अब तक मोस्टली ही एंजॉयज बॉलीवुड फिल्म्स. सो मुझे ये बड़ा इंस्पिरेशन लगता है दैट यू नो यू नीड टू बी एबल टू टेक आउट टाइम फॉर समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी. यू हैव टू. If you are able to take out time for things in the society which don't necessarily make you happy but are the supposed need of the hour, then you have to be able to not give yourself excuses for, you know, indulging in something that makes you happy. Itni sari angrezi ka tarjuma karte hue, agar aap waqt sarf kar sakte hain duniya ke wo muamlaat sambhalne ke liye ya apni zindagi mein unko shamil karne ke liye jo ke kehne ko hamare muashre hamari society ki zaruriyat hai ke mutabik hame apni zindagi mein unko shamil karna padta hai. Main sirf zimmedariyon ki nahi baat kar rahi hu, itni sari cheeze jo karte hain because we live in a society, right? Or we live in a community. Ye not necessarily negative sense mein main keh rahi hu ke ji fake sense mein ya living it up, being part of a community mein aapko करना ही पड़ता है मजबूरी में. नॉट इन अ नेगेटिव सेंस नेसेसरली कि फेक चीजें, अच्छी चीजें भी. सो वक्त वहां सर्फ हो रहा है और अपने लिए नहीं हो रहा, वो सारी एनर्जी आपकी उस और सारी जिंदगी उसमें गुजर जाएगी. तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल. यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी व्हेनेवर यू कैन. वक्त निकालना होता है, वक्त मिलता नहीं है, कभी भी नहीं मिलता, बचपन के बाद नहीं मिलता. खैर बचपन में भी अगर रूटीन वैसी हो बड़ी, यू नो जैसा भरपूर कसम की अक्सर पेरेंट्स रखते हैं अपने बच्चों की रूटीन, सुबह स्कूल, जिन अगर आपके बच्चों को और आप उनके उनके नसीब में भी मैं लिखा होगा, अगर आपने अपनी मेहनत भी की है कि उनको स्कूल भेज सकें, अगर स्कूल नहीं तो अगर जो छोटी उम्र से जो बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं तो बचपन से ही लाइफ बिजी हो जाती है. और अब अगेन मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें तो इट्स यूजली अर्ली मॉर्निंग उठना, बच्चों का स्कूल जाना, वापस आना, उनको नहलाना धुलाना, खिलाना, जो ट्यूशन जाते हैं बच्चे, कोचिंग जिसको कहते हैं, इसलिए कहती हूँ बिकॉज हमने कभी कोचिंग नहीं बोला था छोटे होते, हम ट्यूशन ही कहते थे. ट्यूशन पे अगर जाना है तो जाना, फिर कुरान टीचर आते थे, फिर होमवर्क करना होता था, फिर शाम का जल्दी खाना, यू नो सुबह का यूनिफॉर्म निकालना, ऑल ऑफ दैट. इट इज क्रेजी. तो बचपन से इट इज क्रेजी ना. इवन दो खेलना कूदना मजे करना इज ऑल अ पार्ट ऑफ इट, बट इट्स आवर लाइव्स आर बिजी नॉन स्टॉप. तो ये कहना कि जी अब तो वक्त नहीं है, वक्त कब तब भी नहीं था, ठीक है अब वक्त निकालना पड़ता है सिर्फ, दैट्स अबाउट इट. सरत मुस्कान कहती है जी न्यूज मुझे बचपन से ही पसंद है बिकॉज माय फादर हैड एडिटर और ऑनर ऑफ न्यूज़पेपर. हैड एडिटर और ऑनर ऑफ न्यूज़पेपर, दैट्स व्हाई. यानी कि वो एडिटर थे अखबार के लिए, इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से. और दूसरा कह रही है और इमली भी बचपन से, क्या बात है मुसरत, हमें तो इजाजत नहीं थी इमली खाने के, छुट्टे होते बिल्कुल भी नहीं थी. नजम कहते सलाम अलैकुम मैम, कहते बचपन प्लेइंग गेम्स इन ओल्डर डेज ऑन टीवी एंड नाउ ऑन सेलफोन. तो गेम्स खेलना जो है हमेशा से पसंद था. टीवी पे आपका मतलब के ये अटारी टाइप गेम्स जो होती थी, और कहते हैं अब सेलफोन पे. जब मैंने कभी भी उस तरह पैकमैन मैंने थोड़ा सा खेला हुआ, अटारी शटारी नहीं खेला हुआ, फिर PS आ गया तो वो भी नहीं खेला हुआ.
एक दफा बैठी थी एंड माय नेफ्यू माय सिस्टर्स सन ही कॉल्स मी डजंट कॉल मी खाला ही कॉल्स मी बज्जो बट नाउ ही कॉल्स मी छोटू क्योंकि माशाल्लाह से इतना लंबा हो गया. उसने मुझे खिलाया एंड आई एम क्वाइट एन एजाइल पर्सन. ठीक है, एजिलिटी मुझ में बहुत है तो फिजिकली हमेशा से बहुत एक्टिव रही हूँ और मेरे फोकस भी. मैं ये जो ड्राइविंग वाली गेम्स नहीं होती हैं जो आप आर्केड्स में खेल सकते हैं, जो गाड़ियों को आप ड्राइव करते हैं, वो स्टेयरिंग व्हील होता है, वो उस टाइप की गेम्स मैंने खेली हुई हैं. लेकिन बैठ के ये जो आजकल के जो फॉर्च्यूनर टाइप गेम्स होती हैं वो मुझे नहीं आती खेलनी. तो उसके साथ बैठ के पता नहीं सोनिक की कोई गेम थी. ओफ, आई फेल्ड सो मिजरेबली. आई वाज सो बैड एट इट. मैं अपने फोन पे वर्ड क्रॉस और स्क्रैबल टाइप गेम्स खेलती हूँ. अदन दद्दार कोई नहीं. नजम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. पूरा पूरा कमर्शियल ब्रेक, वापस आती हूँ उसके बाद. स्टे ट्यून्ड. तो रॉकेट साइंस तो थी नहीं. सवाल आज का यही था. कुछ अरसे पहले और उससे कुछ अरसे पहले भी इसी से मिलता जुलता सवाल मैंने पूछा था और पूछती रहूंगी जब तक अल्लाह ताला ने तौफीक दी, जिंदगी दी और हिम्मत दी. ऐसी चीजें पूछती रहूंगी जिससे आपको एक हल्का सा रिमाइंडर मिल जाए कि अगर जो चीज पसंद है और अगर आपके कंट्रोल में है, अब कुदरत से रिलेटेड कोई चीज हो, फूलों का खिलना या बारिश का होना या सर्दियों की धूप, वो तो जब होनी होती है तो होती है, बट तब भी उसको एंजॉय करना आपके ऊपर डिपेंड करता है. राइट. Today's question was just a little reminder that if it's something that makes you happy, doesn't matter who you are, what age you are, what gender you are, what relationship status you're in, what kind of crazy or peaceful life you have to take the onus of doing things that make you happy and make you smile. Translation, tarjuma, ke aap jo bhi hain, जहां भी हैं, उम्र के जिस हिस्से में भी हैं, जिंदगी के जिस भी मरहले से गुजर रहे हैं, आपके ऊपर है जिम्मेदारी उठाइए. जिस चीज से मुंह पे मुस्कुराहट आए उसको जरूर अपनाइए. बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं करते हैं. और अपने बच्चों को प्लीज वो चीजें करने दीजिए जिनसे उनका बचपना जो है वो कायम रहता है, बरकरार रहता है. जो हम इतना ज्यादा उनको डिसिप्लिन करने के चक्कर में भूल जाते हैं कि उनको अगर समझाना भी है, उनको नज्म व ज़ब्त सिखाना भी है, उनको तौर तरीके अपनाने की ताकीद करनी भी है, तब भी बचपना नहीं उनसे छीनना. आहिस्ता बोलो कह के हम खुद जोर से बोल रहे होते हैं घर में, हमें ये नहीं एहसास होता कि बच्चों की आवाज और उनकी जो चहक होती है वो भी जरूरी होती है. चीखना यू नो नहीं चाहिए क्योंकि उनको समझाएं आपके गले पे जोर पड़ता है और चीख के अच्छी बात नहीं लगती है क्योंकि किसी को तकलीफ भी पहुंच सकती है. लॉजिक समझा दिया करें. आहिस्ता बोलो, ये कहने से कुछ नहीं होता है. या अगर बाहर कहीं मौजूद हैं बच्चे आपके साथ और वो छल कूद रहे हैं या बार बार मम्मा मम्मा यूं कर रहे हैं तो मत एम्बेरस हो. वो बच्चे हैं और बड़े होके आप अपनी जिंदगी को आप देख लीजिए, वो इतने जल्दी बड़े हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा. तो टांगे बंद करके बैठो, बिल्कुल बैठनी चाहिए. इंसान को इसलिए नहीं बैठनी चाहिए क्योंकि यू नो कोई देख रहा है, इसलिए बैठनी चाहिए क्योंकि आपके पोस्चर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी कमर के लिए अच्छा है और बेहतर रहता है. डोंट स्कोल्ड देम एंड डोंट टेक दैट बचपना अवे फ्रॉम देम. जमीन पर अगर पसड़ के बच्चे बैठ जाते हैं या थोड़ा सा मुंह अगर खोल के चबा लेते हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओके. डोंट बी कॉन्शियस ऑफ द योर चिल्ड्रन लिविंग देयर यू नो चाइल्डहुड द वे अ चाइल्ड इज सपोज्ड टू लिव इट. Think about your own childhood also. So yeah, just take out time. बस इतना सा फलसफा था, इतना कोई डीप फलसफा नहीं था. और क्या हो रहा है दुनिया में, बहुत कुछ आज शेयर हो गया. आज क्वांटम फिजिक्स और मैकेनिक्स की भी बात हो गई, टेक की भी बात हो गई, FATF की भी बात हो गई, आज के सवाल की भी बात हो गई और भी एक दो चीजें शेयर की थी मैंने. क्या रह गया है? हरमैन शरीफैन में बड़ी उम्र के अफराद की खिदमत के लिए तौकीर प्रोग्राम का आगाज है. आई जस्ट रियलाइज बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे आ रही थी. अब आई होप के वीडियो में कोई इश्यू ना, ये भी होता है ना, यूट्यूब सवालिया निशान डाल देता है. अरब मीडिया के मुताबिक हरमैन शरीफैन की अथॉरिटी ने तौकीर प्रोग्राम का, अब तौकीर ये लिखा हुआ है, तवक्कीर तो नहीं हो सकता, ये प्रोग्राम का आगाज कर दिया है जिसका मकसद बुजुर्ग मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, मुअतमरीन मीनिंग लोग आई एम गेसिंग जो इबादत करने जाते हैं और इबादत गुजारों को मुकम्मल इज्जत और इकराम के साथ सहूलियात फराहम करना चाहिए करना है
एंड मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के उमूर के जनरल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तौकीर प्रोग्राम के तहत बुजुर्गों को दोनों मुकद्दस मसाजिद में समाजी रजाकाराना और इंसानी खिदमात समेत कई दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि उनके लिए ईजी हो जाए. इस पर भी बहुत सारी डिबेट होती है लोगों की कि जी, और ये कहा भी जाता है जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है उनके लिए लिखा हुआ था उस वक्त जिन्होंने हज या उमरा अदा किया है, आप किसी भी इबादतगाह में अगर मक्का या मदीना जाते हैं तो कहते हैं कि हिम्मत एक आ जाती है, ऐसी हिम्मत आ जाती है कि आपको खुद अंदाजा नहीं होता है. यू जस्ट यू नो यू जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट होल एक्सपीरियंस. लेकिन वहां जहां ये एक हकीकत है वहां ये अच्छी बात है कि सहूलियात जो फराहम की गई क्योंकि लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा हो गई है और क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी और सर्दी की शिद्दत में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है. तो अगर आसानियां थोड़ी सी पैदा हो रही, इंसान इंसानों के लिए आसानियां पैदा कर रहा है ताकि वो इबादत जो है वो अपने भरपूर कुव्वत और तरीके से अदा कर सके तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. वी आर फॉर द लास्ट कमर्शियल ब्रेक ऑफ द शो, वापस आते हैं इसके बाद, स्टे ट्यून्ड. जाने से पहले जस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड दो चीजें, एक देख रही थी मैं, एक राइटअप था, एडिटोरियल था कि अगर फ्लड मुतासरीन यानी सलाह मुतासरीन के लिए अगर फंड्स रेज भी किए जा रहे हैं तो नोट टू सेलिब्रिटीज, रिस्पेक्ट फॉर फीलिंग्स ऑफ फ्लड हेड पीपल रिक्वायर्स दैट वी टोन डाउन आवर ओन लाइफ. दिस इज नॉट अ लॉ बट इज सेंट्रल टू द कोड ऑफ ह्यूमैनिटी. ये एक आर्टिकल था and I personally don't believe in this because जिस वक्त मैंने ये पहले भी बात की थी कि हर एक की अपनी राय है, हर चीज सही नहीं होती, हर चीज गलत नहीं होती है, बहुत सारी चीजें बीच की होती हैं. आप बहुत सारे लोगों ने इस बात को समझा भी, बहुत लोगों ने शोर मचाया था क्योंकि एक बहुत जाने माने टेलीविजन चैनल की अवार्ड सेरेमनी कनाडा में हुई थी जिसमें लोगों ने पहले जाने बगैर ये इस बात को बोलना शुरू कर दिया था कि सैर सपाटे नाचने गाने चले गए. ठीक, एक तो ये बात सही नहीं क्योंकि उनका करियर वो है, उनका जो उनकी आमदनी है, उनका करियर, उनका फ्यूचर वो है, विच इज परफॉर्मेंस, विच इज एंटरटेनमेंट, विच इज यू नो समथिंग लाइक एनीथिंग एल्स. आपकी आपका करियर, अगर आपने क्या किया, आपने नौकरी छोड़ के और अगर आपकी लेट्स से सेल्स कॉन्फ्रेंस है आपकी कंपनी की या आपका एनुअल अवार्ड सेरेमनी आगे पीछे तारीख लोग कर रहे थे होंगे या चलो उसको भी छोड़ दे, कोई भी मीटिंग है, कोई कमिटी है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन है, क्या सबको छोड़ दिया आपके इदारों ने बिकॉज सलाह मुतासरीन की मदद हो रही थी? नहीं, डायरेक्ट फंड्स को भी और एनर्जी को भी और वक्त को भी सबने एज इन के अच्छे अच्छे इदारों ने सर्व किया. बहुत ज्यादा इदारों ने कक नहीं किया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने कम अज कम अपने उन पे इनफरादी तौर पे भी कुछ ना खामोशी से कुछ ना बता के, क्योंकि खामोशी से करें तब भी तनकीद का निशाना बनते हैं और अगर दिखा के करें ताकि दूसरे लोग जो है वो इंस्पायर हो, मुतासर हो, तब भी तनकीद का निशाना बनते हैं. एनी हाउ पॉइंट बींग कि उन्होंने फंड्स रेज किए, उस अवार्ड सेरेमनी से पहले भी उन्होंने एक फंड रेजर बकायदा किया जो कि पहले से प्लान था और इंडिविजुअली भी उन्होंने किया और जो अवार्ड सेरेमनी थी उसके भी प्रोसीड्स गए. सो अपनी जिंदगी को टोन डाउन अगर सेलिब्रिटीज को यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज को करना चाहिए तो उस तरह क्रिकेट के शायकीन को भी और क्रिकेटर्स को भी कर देना चाहिए और टेनिस वालों को भी कर देना चाहिए और सबको कर देना चाहिए. सो नो, आई डोंट अग्री विद दिस बिकॉज अगर वो करियर इंपॉर्टेंट है तो ये करियर भी इंपॉर्टेंट है. करियर हर एक के लिए अपना इंपॉर्टेंट होता है. करियर क्या होता है? आपका जो जरिया आमदनी होता है वो हर शख्स के लिए जो है वो अहम होता है, राइट? सो वी डोंट हैव टू लाइक दैट करियर. हमें पास जरूरी नहीं कि वो करियर उनका पसंद हो या हम उससे इत्तेफाक करते हो या हम पसंद करते हो या जो भी, हर चीज में अपने जज्बात नहीं इन्वॉल्व करने की जरूरत है. लेकिन उसको तनकीद का निशाना बनाना और बाकी सारी चीजें एक्सेप्टेबल है कि बाकी सारे लोग, बाकी नौकरी तो जी जरूरी है, बाकी सारे शोबे जरूरी हैं. नो, इट्स नॉट राइट. सो आई डोंट अग्री विद दिस एडिटोरियल कि आपको अपनी जिंदगी में टोन डाउन कर देना चाहिए बिकॉज आई डोंट सी पीपल जो अपनी फैमिलीज के शादी ब्याह जो है वो कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, या सेलिब्रेशन या बर्थडे या डिनर इवेंट्स, कुछ भी नहीं. उसके साथ साथ जिंदगी को वो चला रहे हैं जिन्होंने डोनेट करना है या जिन्होंने वॉलंटियर काम करना है वो कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं करना है वो नहीं कर रहे हैं. You know, it's got nothing to do with your shoba. So, इसी नोट पे आप लोगों से एक तो दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज लेट्स बी अ लिटल मोर एम्पथेटिक टूवर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ करियर्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड लेट्स लिव एंड लेट लिव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बींग विथ मी. आई लव यू ऑल एंड Sayonara!
This is Mira FM 107.4.